और आखिरकार टीना दत्ता के जिस नए शो की चर्चा लंबे वक्त से हो रही थी उसका पहला प्रोमो मेकर्स ने कर दिया है जारी और शो का नाम मेरे अपने नहीं बल्कि है हम रहे या ना रहे हम। जी हां, सामने आई इस पहली झलक में जय भानुशाली अपने रॉयल फैमिली से इंट्रोड्यूस कराते हैं जो समय के साथ बिल्कुल भी नहीं बदली है। जय की माँ के रूप में नजर आई है एक्ट्रेस कीटू गुडवानी जो समय के साथ बिल्कुल भी नहीं बदली है। दूसरी तरफ टीना दत्ता एक मॉडर्न टाइप की लड़की का किरदार निभा रही है जो जय के दिल पर राज करती है, लेकिन टीना का रहन सहन एक बिल्कुल आम लड़की की तरह ही है, बस से ट्रैवल करना, आम जिंदगी जीना, जिससे जय भी काफी इम्प्रेस है और टीना का किरदार इन्हीं वजह से जय के किरदार के दिल पर करता है राज। अब टीना के किरदार के कारण एक रॉयल फैमिली के लड़के जिसके अपने असूल है, अपनी अलग लाइफ है, उसकी जिंदगी में कैसे बदलाव आएगा और इन छोटे छोटे बदलाव की वजह से महल में कैसे आएगा तूफान, ये जानने के लिए आपको ये शो देखना होगा। बस कुछ मिनट की इस झलक ने जनता पर अलग ही जादू बिखेर दिया है और जनता ने टीना जय के शो के पहले प्रोमो को देख तीन बातें कही हैं जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद आई। क्या है ये बातें आपको भी बताते हैं। पहली बात, लुक्स। प्रोमो में टीना और जय का जो लुक है वो पहले ही नजर में जनता को भा गया। राजा महाराजा एक रॉयल परिवार के लड़के के रूप में जय भानुशाली बिल्कुल परफेक्ट है, जिनका अपना एटीट्यूड है, स्टाइल है, सूट बूट से लेकर शेरवानी तक में वो पूरी तरह से फिट बैठते हैं इस किरदार में। तो बात की जाए टीना की तो उनका लुक बेहद सिंपल है, एक आम लड़की की तरह है। टीनेज लड़की के रूप में उनका ड्रेसिंग स्टाइल और अंदाज पहले ही झलक में टीना का लुक सीधा जनता के दिल को छू गया। दूसरी बात, एक्टिंग। टीना और जय दोनों बेहतरीन स्टार्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं इस कुछ सेकंड की झलक में टीना और जय की एक्टिंग इतनी जानदार नजर आई कि आपको यही एहसास होगा कि आप एक आम लड़की और राजकुमार की नई कहानी को देखने वाले हैं। अब पूरी तरह से प्रोमो में खो जाएंगे। एक रॉयल फैमिली के रूप में जय का जो अंदाज है वो काबिले तारीफ है। कुछ सेकंड ही सही, लेकिन जय ने जिस तरह से एफर्टलेस एक्टिंग नजर आई है उससे वो सच में ही एक राजकुमार की तरह नजर आए। तो वहीं चुलबुली खुश मिजाज फेयरलेस लड़की के रूप में टीना भी कमाल की नजर आए। उनका लुक सिंपल है लेकिन जानदार है। टीना को लंबे वक्त के बाद देख एक बार फिर से जनता को उतरन की इचकी की ही याद आ जाएगी और जिस तरह से जय और टीना नजर आए हैं लोगों को लग रहा है कि ये जोड़ी शो को काफी मजेदार बना देगी। और तीसरी बात, डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तीसरी बात जो लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आई है वो है शो का डिफरेंट कॉन्सेप्ट होना। सोनी टीवी इन दिनों अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट के शोज के जरिए पहले ही काफी तारीफें बटोर रहा है। वहीं अब एक राजघराने के परिवार की लाइफ कैसे एक आम लड़की के आने से पूरी तरह से बदलने वाली है, इस कहानी को देखने के लिए जनता में अलग ही क्रेज देखा जा रहा है और यही कह रही है जनता कि सास बहू और जेठानी देवरानी की खट्टी मीठी कहानी से हटकर उन्हें कुछ टीवी पर नया देखने को मिलेगा। और इसी के साथ लंबे वक्त के बाद टीना और जय को एक साथ पर्दे पर देखना शो के लिए भी फायदे का सौदा साबित होगा। बता दें कि सोनी टीवी का ये नया शो हम रहे या ना रहे हम 10 अप्रैल से दस्तक देने वाला है। ऐसे में देखने वाली बात ये भी है कि टीना दत्ता का ये नया शो किस टीवी शो को रिप्लेस करेगा।